स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ होल स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर होते, टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब टू कंसेक्यूटिव नंबर होते जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर में किसी एक नंबर को x लेट कर लेते तो दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इतना के समय में अब इन दोनों का स्क्वायर होगा हमारे 365 के इक्वल। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, हो जाएगा x स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x और ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 365। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 करो तो हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 2 से चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो 182 आ गया हम लोग का इन दो को मल्टीप्लाई करने पे। अब उसको क्या फैक्टर्स लिखा जो प्लस या माइनस करने पे 1 आए, तो अगर हम 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा। तो हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ठीक है, इधर x आगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 14। ठीक है, इधर माइनस 13 आ गया कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, ये लिख दो साथ में x माइनस 13 एंड x प्लस 14। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और इधर x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 14। x की वैल्यू माइनस 14 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 14 का स्क्वायर नहीं हम निकाल रहे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दे रखा है। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और दूसरा जो हो जाएगा x प्लस 1 तो हो गया हमारे पास 14। ठीक है, ये दो नंबर्स निकल गए हमारे।